बस्मिल्ल रही दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एलग्रदम क्विक शॉर्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जैसा कि नाम से पता लग रहा है ये एक शॉटिंग एलग्रिदम है इसकी इंट्यूशन क्या है ये इस वीडियो में हम सीखेंगे सबसे पहले क्विक शॉट के बनाने वाले को डिस्कस करते हैं टोनी हुए एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने के क्विक शॉट प्रपोज किया था ये एक बहुत बड़े डाटा सेट को शॉर्ट कर रहे थे और उसमें बहुत वक्त लग रहा था तो ये डिफरेंट तरह की एक्सपेरिमेंटेशन करते हुए एक नया एलग्रिदम बनाने में कामयाब हुए जिसने कि काफ़ी तेज़ी से डाटा को सॉर्ट कर दिया और इसी मुनासबत से उन्होंने इसको क्विक सॉर्ट का नाम दिया तो क्विक सॉर्ट किस तरह से तेज़ी से काम करता है आइए देखते हैं कंसिडर करें कि ये हमारे पास एक एरे है ब्लू कलर में जिसमें के रेंडमली कुछ नंबर्स पड़े हैं इन नंबर्स को हम क्विक सॉर्ट के थ्रू अगर सॉर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये क्या करेगा एक एल्गोरिथम जिसको कि ये पार्टीशन एल्गोरिथम कहता है ये इस पर अप्लाई करेगा ये पार्टीशन एल्गोरिथम क्या है आइए क्विकली अंडरस्टैंड करते हैं क्विक क्विकॉट किसी भी एक एलिमेंट को पिवट मानता है जनरली जो डिफ़ॉल्ट एल्गोरिथम है वो लेफ्ट मोस्ट मो साइड पे जो एलिमेंट पड़ा होता है उसको पिवट मान लेता है और फिर उसके बाद ये ऐसा करता है कि ये पूरे के पूरे डाटा को प्रोसेस करता है जो कि ब्लू कलर में है और फिर पिवट से छोटे एलिमेंट्स को एक साइड पे और पिवट से बड़े एलिमेंट्स को दूसरी साइड पे एडजस्ट कर देता है तो इस तरह से पिवट एलिमेंट जो है वो पोटेंशली अपनी जगह पे आ जाता है तो पिवट एलिमेंट जब अपनी जगह पे आ जाता है तो उसके बाद फिर ये लेफ्ट साइड पे जो एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर रिकर्सिवली एक दफ़ा फिर क्विक सॉट अप्लाई कर देता है और राइट right साइड पे जो बड़े एलिमेंट्स हैं उन पे भी क्विक शॉट को अप्लाई कर देता है ये क्विक शॉट का एलग्रिदम है जिसमें कि सबसे पहले ये पार्टीशन को कॉल कर रहा है और पार्टीशन एलग्रिदम बिल्कुल उसी तरह से पिवट को दरम्यान में और बड़े एलिमेंट्स एक साइड पर छोटे एलिमेंट्स एक साइड पर कर रहा है और फिर उसके बाद ये रिकर्सिवली लेफ्ट साइड और राइट right साइड दोनों के ऊपर क्विक शॉट का कॉल कर रहा है आइए नंबर्स की मदद से देखते हैं कि क्विक सॉर्ट किस तरह से काम करता है ये एक अनसॉर्टेड एरे हमारे पास है क्विक शॉट सबसे पहले क्या करेगा एक पिवट एलिमेंट चूज करेगा जो कि हमने सीखा कि लेफ्ट मोस्ट साइड को डिफॉल्ट डिफॉल्टे पेवर्ट एलिमेंट कंसिडर करता है तो पेवट एलिमेंट सेलेक्ट करने के बाद जो अगली चीज इसको करनी है वो ये करनी है कि पार्टीशन एल्गोरिथम चलाना है जो कि ट्वेल्थ से छोटे एलिमेंट्स को इसके लेफ्ट साइड पे और ट्वेल्थ से बड़े एलिमेंट्स को इसके राइट right साइड पे ले आएगा तो जब पार्टीशन एलगोरिदम काम कर चुका होता है तो ये एरे कुछ इस तरह से हमें नजर आना शुरू हो जाती है कि छोटे एलिमेंट्स एक साइड पे और बड़े एलिमेंट्स जो है वो दूसरी साइड पर हो गए अब पिवट को दरम्यान में लाने के लिए यह क्या करता है कि छोटे एलिमेंट में से जो सबसे आखिरी एलिमेंट होता है उसको और पिवट को स्वैप कर देता है तो इस सूरत में ये टेन और ट्वेल्व को स्वैप कर देगा टेन और ट्वेल्व को स्वैप करने के बाद ये सूरत हाल बनती है इसका मतलब ये हुआ कि ट्वेल्व जो है वो पोटेंशली अपनी सॉर्टेड जगह पे आ गया है तो हुआ ये कि लेफ्ट साइड पे सब एलिमेंट्स छोटे और राइट right साइड पे सब एलिमेंट्स बड़े और ट्वेल्व अपनी अप्रोप्रियट जगह पे एरे के अंदर आ गया इसके बारे में अब हमें बेफिक्र होके क्या करना है कि लेफ्ट साइड के सारे एलिमेंट्स के लिए अलग से क्विक शॉर्ट अप्लाई करना है और राइट right साइड के सारे एलिमेंट्स के लिए अलग से क्विक शॉर्ट अप्लाई करना है तो इस तरह से दो कॉल्स क्विक एक सॉर्ट की इन दोनों पोर्शन के लिए कॉल होनी चाहिए एक दफा फिर इस एलगोरिदम को देखें तो सबसे पहले ये पिवट एलिमेंट की मदद से पार्टीशन एलग्रिदम को एग्जीक्यूट करता है और पार्टीशन एलग्रदम को एग्जीक्यूट करके ये छोटे एलिमेंट्स पिवट से एक साइड पे और बड़े एलिमेंट्स दूसरी साइड पे और पिवट अपनी अप्रोप्रियट जगह पे आ जाता है और उसके बाद क्विक शॉट को लेफ्ट और राइट right दोनों सब एरेज के ऊपर कॉल कर देता है उम्मीद है कि आपको क्विक शॉट की इंट्यूशन समझ आ गई होगी इसका पार्टीशन एलग्रिदम किस तरह से काम करता है क्विक सॉर्ट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ये सारी चीज़ें हम आइंदा आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे अनटिल देन एन्जॉय शॉटिंग